सऊदी अरब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खादिम हरमन शरीफेन शाह अब्दुल बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस से प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए कई फैसलों की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वित्त मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदियान ने शाह सलमान को वायरस से प्रभावित क्षेत्रों को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया है। उपायों के निवेदन से देश के समग्र अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जेवियर फाइनेंस ने कहा कि किंग अब्दुल अजीज किंग सलमान ने निजी छोटे से छोटे क्षेत्र में मध्यम आकार के उद्योगों को सहायता भुगतान की माफी और बकाया राशि के लिए शेयर के भुगतान करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शाह सलमान के संबंध में 5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे निजी प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने कहा है कि शाही निर्देश के अनुसार इन निजी क्षेत्रों की कंपनियों की देनदारियों का भुगतान करने के लिए 50 बिलियन रियाल इकट्ठे किए गए हैं। ये उन कंपनियों के लिए इकट्ठे किए गए हैं जो सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनके पास सरकारी दायित्व है। उन्होंने कहा है कि दूसरे फैसले से शाही निर्देश के वाणिज्य औद्योगिक और कृषि कंपनियों के लिए बिजली के बिल में 30% की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बिजली के बिल 2 महीने यानी अप्रैल और मई के लिए कम कर दिए जाएंगे, जो अस्थगित भुगतान में देरी होगी। उन्होंने कहा है कि शाही निर्देश के अनुसार तीसरा निर्णय ये लिया गया है कि औद्योगिक और वाणिज्य उद्योग यदि वे चाहे तो अपने बिल का भुगतान 50% कर सकते हैं। ये अप्रैल और मई जून के बिजली बिल होंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे 50% बिलों को जनवरी से 6 महीने की किस्तों में बिल लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शाही निर्देश के अनुसार चौथा निर्णय उन लोगों की मदद करने के लिए लिया गया है जो परिवहन क्षेत्र में हैं, जो एक कंपनी के तहत काम नहीं करते हैं, सामान्य परिवहन प्राधिकरण और कोरोना के साथ पंजीकृत हैं। संकट के कारण उनका काम रोक दिया गया है। उन्हें सहायता के रूप में न्यूनतम वेतन राशि दी जाएगी, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जिन कंपनियों में सरकार का 51% या उससे अधिक का हिस्सा स्थानीय बाजार को पसंद किया जाता है, वह स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किंग सलमान ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक राशि के लिए धनराशि आवंटन कर दिए हैं। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की आवंटित धनराशि को 47 बिलियन से अधिक की गई। ऐसे न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो भारत न्यूज़ हिंदी .com पर जाकर न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।